नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSC डिजिटल पावर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं, कांस्टेबल की पोस्ट भी वैकेंसी निकाली गई हैं, जो ग्रुप सी की वैकेंसी रहेंगी, पायनियर की पोस्ट भी वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि नॉन गजेटेड वैकेंसी रहने वाली हैं। इसमें जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो टेम्परेरी बेस पे वैकेंसी निकाली गई हैं जो बाद में परमानेंट किया जा सकता है। तो इसमें लेवल रहेगा, लेवल 3 रहेगा। इसी दौरान जो आपकी सैलरी रहेगी, सैलरी 21,700 से आपकी सैलरी 69,100 जो कि 7 CPC के अकॉर्डिंग रहेगी। इसमें जो आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे वो इंडिया एनीवेयर अवार्ड में आपका सिलेक्शन दिया जा सकता है। इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं, कारपेंटर की पोस्ट पे जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो टोटल 56 वैकेंसी निकाली गई हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 29, SC कैटेगरी के लिए 7, ST के लिए 8 वैकेंसी, OBC के लिए 6, EWS कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई हैं। कांस्टेबल मेसन की पोस्ट पर जो वैकेंसी निकाली गई हैं 31 वैकेंसी रहने वाली हैं जो कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। कांस्टेबल प्लम्बर की पोस्ट भी वैकेंसी निकाली गई जो कि 21 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल 108 वैकेंसी निकाली गई हैं। 108 वैकेंसी के लिए इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपके तो एज लिमिट रहेगा, एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल रहेगी। अगर आपकी एज मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 23 साल है तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट में SC ST OBC कैटेगरी को अपर एज में छूट दी जाती है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो लास्ट डेट को काउंट की जाएगी। लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर, लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर को आपकी एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। 18 सितंबर 1999 से 17 सितंबर 2004 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, इससे पहले उसके बाद को काउंट नहीं किया जाएगा, इसी के बीच आपका जन्म होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पास 1 साल का ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेसन कारपेंटर और प्लम्बर की पोस्ट वैकेंसी निकाली गई हैं तो इसी के साथ आपका कारपेंटर, मेसन और प्लम्बर की ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें हम जान लेते हैं जो ITPP की जो ऑफिशियल साइट है इस पर हमें देखने को मिलेगा, इससे हम अपना ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर हमें विजिट करते रहना होगा। नेक्स्ट, इसमें जो हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें ऑनलाइन मोड को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, इसमें डिटेल दी गई है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो आपका रहेगा कांस्टेबल पायनियर की पोस्ट के लिए, इसमें आपकी जो फर्स्ट रहेगा PET रहेगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, सेकेंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा PST, इसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा, इसके बाद आपका DME रहेगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME रहेगा। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है जो का ऑनलाइन आवेदन ओपन हो जाएगा 19 अगस्त 2022 को। 19 अगस्त 2022 से इस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आप 19 अगस्त 2022 से ITPP की ऑफिशियल साइट पे आप ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर 2022 लास्ट डेट रहेगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।